22/11/2007 को मैं जब थाने पे बैठा था चौकी बोरावास से, हमें वहाँ के जाब्ते ने सूचना दी कि एक जीप चालक ने अभी ये बताया है कि बोरावास की घाटी पर, बोरावास के जंगल में घाटी पर एक मृतक महिला की लाश रोड के साइड में पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पर मैं थाने से उच्च अधिकारियों को सूचना दी और थाने से जीप और जाब्ता लेके यहाँ से रवाना हुआ। हमने काफ़ी देर तक पूरे जंगल में उस लाश को तलाश किया, रोड के आसपास देखा। हमें लगभग साढ़े पाँच बजे के लगभग रोड के साइड में एक महिला पड़ी हुई नज़र आई, क्योंकि उसका वह अज्ञात थी, उसके आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई थी, इसलिए उसको हमने पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया। और सभी जो लोकल अपने यहाँ के अखबार है उनमें सभी में उसके फोटो और उसके बारे में सूचना दी। 23/11/2007 को उसका पति जो राउतभाटा में आरएपीपी में नौकरी करता था चालक की, वह सुबह एमबीएस आया और उसने रेखा उसको देखकर, मृतक महिला को देखकर उसने अपनी पत्नी रेखा होना उसने बताया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में डॉक्टर्स जो मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, उन लोगों ने इस रेखा की हत्या गला घोट कर होना बताया। इस आधार पर हमने थाने पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ
ये तथ्य सामने आए कि मदन सालवी जो रेखा का पति है वो राउत बाटा में नौकरी करता था और उसने बताया कि मेरी पत्नी 22 तारीख को सुबह बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इस आधार को मानते हुए हमने वहाँ पर मालूमात की तो आसपास एक एसटीडी थी, उस एसटीडी से रेखा ने किसी को फ़ोन किया था, वो नंबर हमारे पास आए। उस आधार पर हमने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल के आधार पर वो नंबर काना खेजड़ी जिला अजमेर निवासी रामदेव के नंबर होना पाया गया। रामदेव से जब हमने हिरासत में लिया तो वह काफ़ी देर तक तो नानुकुर करता रहा, लेकिन आखिर में जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तो वह आखिर में टूट गया और उसने सारी घटना करना कबूल किया। बेपनाह मोहब्बत करता था और रेखा भी मुझसे उतना ही मोहब्बत करती थी। अक्सर वो अपने पति से छुप छुप कर मुझसे मिलती थी। मुझे यकीन था एक दिन मेरी मोहब्बत रंग लाएगी और रेखा सदा के लिए मेरे पास आ जाएगी। और किसी ने सच ही कहा, अग्नि के सामने सात फेरे लेते वक्त तो जिस्मों का मिलान नहीं होता, मिलान होता है दो आत्माओं का। रेखा का व्यवहार बदलने लगा, धीरे धीरे मुझसे दूर होती चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा रेखा शायद मुझसे दूर जा रही है। और एक दिन मैंने रेखा को बुलाया, रेखा का इंतजार करने लगा। रेखा उसी समय आई और मैंने उसे गाड़ी में बिठाकर कोटा की ओर रवाना हो गया। अजीब सी खामोशी गाड़ी में चीख रही थी। इससे पहले कि माहौल और बोझिल हो मैंने उससे कहा, क्या बात है रेखा, इतने चुप चुप क्यों हो? तुम भी तो खामोशी हो। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। क्या पति से कुछ अनबन हो गई? तुम पति पे इतना जोर क्यों देते हो? बेचारे वो तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहते। रेखा, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान पति की तरफ कुछ ज्यादा ही है। ये बेकार की बातें क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना मैं घर से कितनी मुश्किल से बहाने बनाकर चोरी छुपके से अपने प्यार को निभाने के लिए तुमसे मिलने आती हूँ और तुम हो कि बस। सॉरी रेखा, आई एम सॉरी रेखा, क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रेखा, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ रेखा। तुम जानते हो राम, प्रेम तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, पर इस तरह की बातें मत किया करो। सच? मैं तुम्हारी जान ले लूं? तो रोका किसने है? ले लो मेरी जान। ले लो तुम्हारी जान।
धीरे मैं रस्सी को खींचता चला गया और मजाक ही मजाक में मैंने रस्सी को इतना जोर से खींचा कि उसकी जान निकल गई। बेचारी चीख भी ना सकी। फिर मुझे होश आया, गाड़ी से बाहर निकला, लाश को बाहर खींच के लाया और झाड़ियों के पीछे छोड़ के भाग गया और मैं घर की ओर निकल गया। लेकिन अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है राम। जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है वो सिर्फ जेल की ओर ही जाता है राम। रामदेव द्वारा रेखा की हत्या करने के पीछे मुख्य मकसद ये रहा। रामदेव के मन में ये ग्लानी रहती थी कि ये इसके पति मदन सालू की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव होने लग गया है और रामदेव जो इसका प्रेमी था इसकी तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। इस आधार पर इसने रेखा की हत्या की है। और जब इस प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण करने के बाद में रामदेव के खिलाफ हमने न्यायालय में चालान पेश कर दिया है और रामदेव अभी जेल में है। पब्लिक अपने आप में क्राइम के प्रति सचेत रहे और किसी के सामने कोई अपराध होता हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को और संबंधित विभाग को देना चाहिए। पुलिस हो सकता वो अपराध कभी उसके उसके साथ भी हो जाए, इसलिए अपराध को छुपाने के बजाय उसकी सूचना पुलिस को अवश्य देना चाहिए। है किसने किया है जुर्म हुआ है किसने किया है इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम